शहबाज शरीफ कभी एक बहाने से फरार होते हैं, कभी दूसरे से। फवाद चौधरी ने वजीर आजम के लंदन में तवील क्याम की वजह बता दी। पीटीआई रहनुमा ने जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में ये सब क्यों भागे हैं। कहा कि शरीफ खानदान अपने मुकदमात से भागा हुआ है, हमें सियासी हल चाहिए, इलेक्शन हमारे लिए अहम है। जिस तरह ये एक फैमिली रीयूनियन वहाँ पे बनी हुई है कि जी देखें, नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर, शहबाज शरीफ के बेटे एब्सकॉन्डर, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ कैलिबरी फॉन्ट में उनके खिलाफ जो है वो केस पेंडिंग, तमाम वो फैमिली जो क्रिमिनल है बेसिकली, जिनके ऊपर मुकदमात हैं और वो अपने मुकदमात से भागे हुए हैं, वो लंदन में बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं कि हम जी इस तरह की ये तकर्रियां करेंगे। इससे मुतनाजा खड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? जाहिर है कि अगर वज़ीर आज़म कुछ ग्रेसफुल एक्ट करें, और देखें पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तकर्रियों से उनसे नहीं आनी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्शन से आनी है और इलेक्शन की तरफ भागना चाहिए। हमारे लिए इलेक्शन अहम है और हम समझते हैं कि इलेक्शन की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।